अगर आप एक बस मैनेजर बनना चाहते हो, यू नो, अच्छा टीम लीडर बनना चाहते हो, लोग आपको पसंद करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी आना चाहिए, उसके लिए किस तरह का मैनेजर आपको बनना है, आपकी एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। जनरली मैनेजर हमेशा समझता है कि मैं हूँ, यू नो, ऐसा समझता है। जनरली ये छोड़ के अगर आप अपने टीम मेंबर की हर एक का क्वालिटीज होगा, राइट, कैपेसिटी होगा, वो कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ होगा, वो चीज़ को समझने की कोशिश करिए, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, राइट। हर एक का टैलेंट को समझने की कोशिश करिए, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, देन दे विल लव यू। जितने बोले तुझे खुद नहीं आता, मैं जो बोलता ना कर, खत्म, एक दिन वो आपके ऊपर जाएगा। ओके, आज भी मुझे चैलेंज किया हुआ मैनेजर्स मुझे याद आता है। कंपनी का नाम बोलूँ नहीं बोलूँ, नहीं छोड़ दो सर। ओके, मैं कंपनी में काम करता था, एक मैनेजर ने आके बोला, कहीं ना कहीं वो सिस्टम बराबर नहीं चल रहा था, बोलता है कि सुरेश यू कैनॉट डू इट, ये छोड़ दे काम, ये तेरे लिए नहीं है, तू कुछ और काम कर ले, ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है, ओके, क्योंकि वो मैनेजर है ना, रिपोर्टिंग वही करेगा, वो जो बोलेगा वही फाइनल कंपनी भरेगा। हायरार्की प्रोटोकॉल मैं क्लोज नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया। जो इंडस्ट्री में उसने छोड़ने के लिए बोला मुझे, राइट, और वो इंडस्ट्री में कुछ महीनों में मैं कंट्री हेड था। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों, उसने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया कि मैं नहीं कह सकता, ऐसा मुझे बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट किए हैं, राइट, वो अलग बात। समय वो जो पेन अंदर होता है ना, खतरनाक होता है, इसलिए आपकी जो अंदर के टीम मेंबर्स हैं, आपकी टीम, उसको भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, उसको जानने की कोशिश करिए, उनकी कैपेसिटी क्या है, ऐसा समझने की कोशिश करिएगा, राइट। ये हो गया, राइट, वन। सेकंड, आप कोई अपना काम किसी को देते हो तो उसको बहुत माइनस माइक्रो मैनेजमेंट मत करिएगा, राइट, बहुत डिटेल में जाके पता करना, ऐसा वैसा मत करिएगा। थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए उसको, उसको स्पेस दीजिए, उनको काम करने दीजिएगा। हाँ, रिजल्ट्स बराबर आना चाहिए, उसमें ध्यान रखना है। ये आप नहीं करते हो, दे विल लव यू, बिकॉज यू नो वो उसको लगेगा कि मैजिक करना है, मेरे रिजल्ट ये लाना है, यू नो, वो सब चीज़ें करना है। इसमें प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप होता है, जिसमें काम थोड़ा होते ही आके बताना, थोड़ा होने के बाद आना, क्योंकि डायरेक्शन सही जगह पे है, गया वो चेक करना, राइट। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स हमेशा डरे डरे नहीं होना चाहिए। ओके, आप बहुत सारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ट्रेनर्स हैं बॉम्बे में, ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देते हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतना खतरनाक, उनके ऑफिस में कोई भी जाता है निकल जाता है, कोई भी जाता है निकल जाता है, सुबह जाने के टाइम उसको कितना महीने में कितना साल भी काम करने से उसको पता नहीं होता उसका नौकरी कभी छूटेगा, राइट। ऐसा एक डर, एक झटके में वो काम से निकाल देते हैं किसी को भी, राइट, और उसको प्राउड फील करते हैं, देख मैं तो किसी को भी निकाल देता हूँ ऐसा, राइट। सो इस तरह का एक डर माहौल में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हर एक का जिंदगी होता है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सो डरा डरा के, धमका के, यू नो, पेन दे के ऐसा कोई काम करने का आप समझते हो, उस तरह का आप मैनेजर हो, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस मोड से आपको आना है डरने का, राइट। चौथा वाला पॉइंट, जब भी आप अपना एम्प्लॉयज़ को सोशल मीडिया एक एक्टिविटीज़ होता है, राइट। लोग अभी तो अपना फोटोज एक्सपोज करना, ये करना, उसको अपने तरह से जीने दीजिएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स हो गया सब, मेरा तो कोई बाप नहीं है, मुझे कोई नहीं बोल सकता मैं कुछ भी करूँ, पोस्ट करूँ, मुझे कोई लेने वाला नहीं, राइट। अगर यही चीज़ अगर मैं एम्प्लॉय होता है तो फिर सोशल मीडिया कमिटमेंट, यू कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिट, ऐसा सब कुछ आ जाता है, राइट। सो स्पेस दीजिए, लेट देम हैव इट, यू नो, अंडल आपका जो कंपनी पॉलिसीज है, कंपनी सीक्रेट्स है या कोई भी है, उसमें दखल अंदाज नहीं करता, लेट देम लीव देयर लाइफ, उनका लाइफ जीने दीजिए, राइट। सोशल मीडिया में उनको जैसे रहने, राइट, ये हो गया पॉइंट नंबर फोर। और लास्ट में ये होगा कि ये किसी का भी अपना एम्प्लॉयज़ है, उनका बहुत सारे टेक्नोलॉजीज होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें वो बता सकते हैं, उनको अपडेट्स होगा, ये होगा, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा, राइट। वो पता नहीं किधर से क्या डेवलपमेंट्स होगा, टेक्नो सेवी होना चाहिए, ये सब चीज़ में आप एक्सेप्ट करो, उसको समझ लो, यू नो, आपसे हमेशा बढ़कर कोई होगा, राइट, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो ये सब टेक्नो सेवी में अगर आपकी एम्प्लॉयज़ है, कोई है ऐसा बेस्ट है, उसको एक्नॉलेज करो और उसके हिसाब से आप चलने दो, राइट। ये हो गया। लास्ट में एक चीज़ बता दो, कभी कभी एम्प्लॉयज़ काम करते करते थक जाते हैं, नो क्या बोलते हैं ना, ये
बर्नआउट हो जाता है. यू नो लाइफ लाइफ बैलेंस होता है ना, ऑफिस का काम, घर का काम, खुद का सेल्फ, यू नो हेल्थ में देखना, एक्सेस करना, मेंटल रिलैक्स, मेडिटेशन, वेकेशन, यू नो ये सब चीज़ होता है. हर कंपनी से पकड़ के उनका पूरा खून चूस लेता है, राइट. और कभी मैनेजर्स ही वैसे होते हैं. इस तरह का नहीं होना है. उनको भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको उनको भी यू नो लाइफ जीने दीजिएगा, यू नो फैमिली लाइफ, ये लाइफ, उसको भी थोड़ा अच्छा. मैनेजर ये सब चीज़ ध्यान रखते हैं. मुझे ये बात में अपना अब्दुल कलाम जी का जो चीज़ें याद आते हैं, उनके एक टीम मेम्बर का एक एम्प्लॉय, उन्होंने आके बोला कि मेरा बेटा को है ना मैं एग्जीबिशन लेके जाने का प्रॉमिस किया था शाम को, लेकिन काम इतना है मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा ऐसा कुछ है, तो वो नहीं कर पाए. लेकिन बीइंग अ लीडर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके ले गया. शाम को ये एम्प्लॉय जब घर पे गया तो पता चला एग्जीबिशन का सब सामान बन कर पाया था. कौन आया तो अब्दुल कलाम जी आके वो लड़के को लेके गया, राइट. इतना कमिटमेंट फैमिली की ओर, क्योंकि देखो काम तो होते रहेगा लेकिन उसकी वजह से अपना फैमिली डिस्टर्ब नहीं होना है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना है. तो एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दिस. ये सब समझते हो, पीपल विल लव यू एंड आपका प्रोडक्टिविटी मस्त बढ़ेगा और हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, राइट. थैंक यू.